दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। आज दिल्ली की बात करें तो एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है। बात करें नियमों की तो ग्रैप चार के नियम दिल्ली से हटा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैप चार के नियम हटाते ही दिल्ली सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। ये फैसला दिल्ली सरकार ने ग्रैप चार के नियमों के हटने के बाद लिया है, हालांकि फिलहाल सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रदूषण मंत्री गोपाल राय ने यह बयान जारी किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी हालांकि अभी भी प्रभावित है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बीते दिन के मुकाबले जहां बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई था, ये एक्यूआई थोड़ा बेहतर है, हालांकि प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, प्रदूषण का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत। स्कूलों को आज से खोल दिया गया है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, इस समय हम लोग दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में खड़े हुए हैं, जहां पर वाकई में प्रदूषण की चादर या विजिबिलिटी कह सकते हैं, विजिबिलिटी पर प्रभाव है, विजिबिलिटी हल्की सी कम है, लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई के आंकड़े नीचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत की सांस दे रहे हैं। बहरहाल एक्यूआई के आंकड़े इतने भी राहत देने वाले नहीं है कि हम जिन सख्तियों से प्रशासन और सरकार नियमों का पालन करवा रही थी उन पे ढील बरत दी जाए, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं या वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो अंक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सख्ती के साथ और जिस तरीके से सारे नियमों का पालन किया गया, ग्रैप फोर के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब जब ग्रैप फोर हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक सामान्य स्थिति होने की उम्मीद दिल्ली के लोगों को है, सरकार को है, प्रशासन को है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ते हुए तापमान के साथ प्रदूषण का कहर दिल्ली के लोगों पर शुरू हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी है, और अभी फिलहाल हवा का भी एक बड़ा रोल यहाँ पर रहा है। कहीं ना कहीं जो फसलों का सीजन खत्म हुआ है उसकी वजह से भी जो पराली की घटनाएं हो रही थी उनमें कमतरी आई है, और अभी फिलहाल किसी भी तरीके की धुंध जो है वो यहाँ पर बहुत हल्की मात्रा में पिछले दो दिनों से दिखाई दे रही है। सूर्य देवता भी काफ़ी देर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर होने तक सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पड़ रही हैं। निश्चित रूप से आदित्य, विजिबिलिटी पर अभी भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, हालांकि सतर्कता बरतने के लिए खुद पर्यावरण मंत्री ने बात कही है। फिलहाल कौन कौन से नियम हैं जो अभी भी लागू हैं? बिल्कुल, देखिए अभी कहीं ना कहीं वाहनों की एंट्री को लेकर जिस तरीके से ग्रैप फोर से पहले पर्यावरण मंत्री ने ये कहा था, गोपाल राय की ओर से ये बयान भी आया था कि जो बेसिक बीएस के वाहन हैं उनको कहीं ना कहीं बैन किया जाए, जो कमर्शियल वाहन हैं उन पे भी अधिकांश जो बाहरी कमर्शियल वाहन हैं अदर स्टेट्स के उनकी भी एंट्री जो है वो दिल्ली के अंदर बंद हो, ऐसे कई नियम हैं। इसके अलावा जो कई इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के काम पे अभी भी रोक है, कमर्शियल वाहनों को लेकर भी इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनको छोड़कर जो और वाहन हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अनुमति के साथ ही उनको निकलने की अनुमति मिल रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट्स तय किए गए थे वहाँ पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था, धूल ना हो, इसका प्रयास प्रशासन प्रबंधन और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये जो प्रदूषण का एक्यूआई है, जो एक्यूआई लेवल है वो थोड़ा सा नीचे जाए और दिल्ली के लोगों को राहत मिले। निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को राहत मिलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ऐसे में फिलहाल इन नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। आदित्य, मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए फिर से वही बात है कि हवा का एक जो रुख था उसने कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को पिछले दो दिनों से थोड़ी सी राहत दी है। हवाओं की चलनी की वजह से जो धुंध की चादर लगातार शाम तक देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, विजिबिलिटी पर प्रभाव पड़ा है। जो धुंध और जो कह सकते हैं प्रदूषण की चादर जो बहुत ज़्यादा थी, टेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो अब कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है, और हवा के चलने की वजह से, क्योंकि अब फसलों का सीजन भी खत्म हो चुका है, पराली जलने की घटनाएं भी ना के बराबर हो रही हैं, उस समय साफ हवा से कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का वातावरण है, उसमें कहीं ना कहीं स्वच्छ हवा की वजह से
जो प्रदूषण की चादर है उसका असर जो है वो कम दिखाई दे रहा है। ठीक है आदित्य, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी के लिए।